बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का कहना है कि ये यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने की नींव रखने वाला बजट है। भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय में बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यूपी को मिले 2,44,000 करोड़ से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। उन्होंने आगे कहा कि बजट गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग को समर्पित है। प्रदेश को कुछ न मिलने का सवाल पर कहा उन्होंने कि यह विपक्ष की साजिश है। इस बजट में यूपी के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो यहाँ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश के करीब 100 ITI अपग्रेड किए जाएंगे। इससे 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा और इंटर्नशिप योजना के तहत 2 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। तो आज के इस बजटीय वार्ता में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और वित्तीय मंत्री जी का, जिन्होंने इतना शानदार और जानदार बजट प्रस्तुत किया है जो सभी वर्गों के लिए, सभी समाजों के लिए सर्वसमावेशी है, सर्वस्पर्शी है। और जैसा कि हम देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष तौर से 2014 में जब आए थे उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित, मेरी सरकार किसानों, महिलाओं को, युवाओं को समर्पित। उसी क्रम में लगातार 10 वर्षों से काम करते करते ये तीसरे कार्यकाल का पहला बजट हम सब देख रहे हैं। मुद्रास्फीति या तो हमारी कम हुई है या स्थिर है। आज हम 4% के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं जो पूंजी प्रभाव को आसान करेगी और आत्मनिर्भर भारत की राह को भी आसान करेगी। जैसा कि अभी हम सब ने देखा है, लगातार हमने जो काम किया है उसमें बात आती है रोजगार कैसे हमारा बढ़े। इसके लिए 4 करोड़ से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था इसमें की गई है।